हेलो फ्रेंड्स, इस बार मंडे नाइट रॉ में हमें बहुत कुछ देखने को मिला और बहुत कुछ शॉकिंग देखने को मिला, बहुत किसी का मैच देखने को मिला। तो चलिए डिस्कस करते हैं किसका किसका मैच था मंडे नाइट रॉ में। तो मैं हूं आपकी दोस्त और आप देख रहे हैं WWE विथ इस्ट्रिया। तो सब द उसोस ब्रदर्स को हराने के बाद, मतलब यहाँ पे सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस का मतलब इतना गहरा फ्रेंडशिप बढ़ चुका है ना, मतलब दोनों का फ्रेंडशिप देख के तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब इन लोग दोनों अब कोई भी मैच करेंगे तो ऐसा लगता है कि अब इन लोग ही जीतेंगे। मतलब इन लोग का फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और यहाँ पे द उसोस ब्रदर्स को हराने के बाद सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस काफ़ी खुश भी दिख रहे हैं। और एक मैच होता है जिसमें सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस जीत जाते हैं। और यहाँ पे सेथ रॉलिंग एक स्टाइल करके आते हैं जिसमें चश्मे पहन के रहते हैं, वाइट कलर के ड्रेस पहन के रहते हैं, और बहुत ज़्यादा कॉमेडी लगता है देखने में सेथ रॉलिंग को, लेकिन मज़ा भी आता है। और यहाँ पे बॉबी लेस्ली का दिमाग ऑलरेडी ख़राब रहता है, और यहाँ पे बॉबी लेस्ली को यहाँ पे सब कोई आकर मतलब परेशानी कर रहे हैं। और बॉबी लेस्ली को गुस्सा आ जाता है कि सब उसे क्यों आस्ते आस्ते परेशान कर रहे हैं मिलके। तो बॉबी लेस्ली यहाँ पे धो देते हैं, मतलब सच में उसका दिमाग ख़राब हुआ और वो धो दिए। और यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरीज का हमें एक प्रोमो देखने को मिला छोटा सा, जिसमें यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी ये कहते हैं कि मैंने जॉन सिना को हराया है रेसलमेनिया में, अब मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ भी एक मैच करना चाहूँगा। जिसके कारण क्या होता है, इन दोनों में फाइट होने लगती है। बस उसी टाइम ही डोमिनिक मिस्टीरियो आकर रे मिस्टीरियो के ऊपर अटैक कर देते हैं। और उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो बैड बनी के पास जाते हैं, बैड बनी ऑडियंस लोग के साथ ही बैठे रहते हैं। तो उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो जाने के बाद ये कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही मैंने रेसलमेनिया का मैच हारा था, तुमने मुझसे मेरा चेन छीन लिया था जिसके वजह से मैंने रेसलमेनिया मैच हार गया था। उसके बाद इन दोनों में ही मैच मतलब फ़ाइट होने लगती है। तो इन दोनों में ही फ़ाइट होने लगती है। यही सब हमने एक्साइटमेंट आज के ये एपिसोड में हमें देखने को मिला। मंडे नाइट रॉ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और बहुत कुछ शॉकिंग देखने को मिला और बहुत किसी का फ़ाइट देखने को मिला। तो आपको कैसा लगा, आपको सबसे अच्छा अच्छा फ़ाइट किसका लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहे हमारे चैनल।